हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बारे में। यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, यूजी के पहले ही हो गए थे स्टार्ट, पीजी के भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी सीयूईटी में इंक्लूडेड था, बट इस साल इंक्लूडेड नहीं है, ये अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो हम पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे आप इनके पोर्टल पे जाओगे ना, तो हम इसको रिफ्रेश करते एक पॉपअप आएगा, आप देखना। अभी ये देखो, ये पॉपअप आया, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर ऑनलाइन फॉर्म, ऐसे करके पूरा ये ओपन हो रहा है। इसको हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं क्योंकि आपको मैं कुछ और बताने वाली हूँ। यहाँ पे जब आप एडमिशन पर जाते हो ना, और जब आप एडमिशन एट ग्लांस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ देखना आप सारे जितने भी कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट हुए ना, सबके अपडेट्स आएंगे। इधर ध्यान देना, ध्यान से देखना। सबसे पहला जो यहाँ पे मेंशन है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 24-25, यानी नए सेशन की यहाँ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी 29 मार्च से। ठीक है, तो अभी ही स्टार्ट हुई है, कुछ दिनों पहले ही, और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 31 मार्च। फिर इसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, जनरल और ओबीसी को 800 रुपीज लगेगी, एससी एसटी को यहाँ पे 400 रुपीज लगेगी। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और ये एडमिशन ब्रोशर अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, यूजी पीजी सबका यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे बीसीए और बीबीए के लिए भी एडमिशन ओपन हो गए थे 29 मार्च को, 31 मई तक ये चलेंगे, सेम डेट है। चार्जेस अलग अलग है, एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी को, एससी एसटी के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज़ है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। इसके बाद में स्क्रॉल करेंगे नीचे तो देख सकते हो बीएलएड प्रोग्राम, यहाँ पे भी सेम डेट है, पैसे बस ज़्यादा लग रहे हैं, 1600 रुपये जनरल ओबीसी को लग रहे हैं और एससी एसटी को 800 लग रहे हैं। ठीक है, फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 29 मार्च से 31 मई तक की डेट है, 1000 फॉर जनरल ओबीसी एंड 500 फॉर एससी एसटी एंड अदर कैटेगरीज। फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में यहाँ पे लिखा इंक्लूडिंग एलएलएम एंड एलएलबी, तो पोस्ट ग्रेजुएट में सारे आ जाते हैं, एमएससी, एमए, एमएडी, सब इसमें इंक्लूडेड है। तो स्टार्टिंग है इसकी, फॉर्म डेट स्टार्ट हुए हैं 6 अप्रैल से, यानी अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, 6 अप्रैल से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 10 जून तक। यूजी के कोर्सेज की डेट क्या थी, लास्ट 31 मई, और यहाँ पे पीजी के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 10 जून। ठीक है, ध्यान रखना। और पैसे कितने लग रहे हैं, जनरल और ओबीसी को लगेंगे 1000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को लगेंगे यहाँ पे 500। और यहाँ पे पीजी मैनेजमेंट के जो कोर्स हैं, एमबीए, एमटीटीएम, इन सब में जो है सेम डेट वगैरह सेम है, पैसे बस थोड़े थोड़े से बढ़ा दिए हैं, और 1600 लगेंगे ओबीसी और जनरल को और 800 बाकी कैटेगरीज को। ठीक है, यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड करके देख सकते हो, आपको जो भी स्पेसिफिक कोर्स का यहाँ पे चाहिए है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी अभी, स्पेशली मैं फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए पूरा डिस्कशन करूँगी, एलिजिबिलिटी वगैरह मैं सब कुछ बताऊँगी, तो टेंशन मत लेना, बस एक बार पूरा ये समझ लो। ठीक है, फिर एमएड के लिए भी सेम चीज़ है, और जो चार्जेस है वो भी यहाँ पे मेंशन है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यही है। बीपीईडी और एमपीईडी ये सब प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब देखो, हम सबसे पहले यूजी के कोर्सेज की बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस ऑफर होता है, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, तो ये मैं इनका ब्रोशर आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, अगर होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। और जो जो कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे उसके अलावा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कितनी क्या सीट्स है, क्या जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन है, क्या सब्जेक्ट्स मांगे, सब कुछ इसमें ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो बस ये डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। वही मैंने बताया था, फॉर्म की एप्लीकेशन डेट थी 29 मार्च से 31 मई तक रहेगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, जो होगा आपका 15 जून से 25 जून के बीच में।
रिजल्ट आएगा 7 जुलाई को, काउंसलिंग होगी पहली 10 जुलाई को, फेज टू में 16 को और फेज थ्री में 25 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे ये सारी डेट्स मेंशन है, यूजी पीजी का हम सारा इसी में डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा ब्रोशर है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, यहाँ पे से आप रीड कर लेना। देखो बेसिकली यहाँ पे जो कोर्स है बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप है और बीएससी बायो ग्रुप है, बस हम ये चेक करके आपको बता देते हैं कि क्या यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस ऑफर की जा रही है, बाकी के जो कोर्सेज हैं वो आप चेक कर लेना। मैं ये पूरा ब्रोशर डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रही हूँ डिटेल में, आप लोग इसमें चेक कर सकते हो कि कहाँ पे जो है कौन सा कोर्स है, कितनी सीट से, मैं कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा और आई थिंक आप लोग तो इतना तो कर ही लोगे, इतना तो ईजी रहता है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट भी स्लो चल रहा है, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये देखो खोल कुछ रहे हैं, खोल खुल कुछ रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्ड करने में। ओके, फिर ये और नीचे आते हैं हम, LLB का दिया हुआ है, फैकल्टी ऑफ साइंस, BSc मैथ्स ग्रुप दिया है, BSc मैथ्स ग्रुप NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिया है, 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे, ठीक है, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि फॉरेंसिक है या फिर नहीं है। बहुत ही स्लो इंटरनेट चलते हुए इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी गुस्सा भी आ रही है, बट हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट, यानी कि ये फॉरेंसिक ऑफर नहीं करते, ग्रेजुएशन नहीं है, मुझे भी यही पता था, जस्ट फॉर श्योरिटी मैं यहाँ पे कंफर्म कर रही थी कि ये ऑफर कर रहे हैं या नहीं, बट यहाँ कंफर्म हो चुका है कि ये ऑफर नहीं कर रहे। इसमें भी आप देख सकते हो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोम, बॉटनी और केमिस्ट्री, बस इतने ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। पीजी का ब्रोशर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीजी के ब्रोशर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या दिया है। हम यहाँ पे साइंस की फैकल्टी पर जाते हैं सीधे 22-24 पेज नंबर पे, क्योंकि हमें फॉरेंसिक साइंस का कोर्स देखना है और पीजी में है, ठीक है, पीजी में आपके पास फॉरेंसिक साइंस का कोर्स क्लियरली मेंशन है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये MA है और हम स्क्रॉल करते जाएंगे करते जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ही है, कॉमर्स, एजुकेशन, साइंस में आ गए। देखो साइंस में यहाँ पे देखो फूड प्रोसेसिंग फॉरेंसिक साइंस, फाइनली 40 सीट्स है टोटल MA MSc फॉरेंसिक साइंस में और 17,080 रुपीस पर सेमेस्टर के हिसाब से आपकी फीस यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने मिनिमम 45% होने चाहिए आपके जनरल और OBC के और 40% SC ST के, तो बहुत सारे बच्चे परसेंटेज को लेके थोड़े से टेंस हो जाते हैं कि हमारे जो हैं 45 हैं या कुछ, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कोर्सेज के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलिंग वहाँ से डिटेल्स निकाल सकते हो। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, अब फिर हमें वेट करना पड़ेगा, मेरा इंटरनेट फिर स्लो है उस वजह से, अरे वाह क्या बात है, ओपन हो गया, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपको जनरेट करना पड़ेगा ये वाली वेबसाइट पर जाके, इस वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर जो है वो आपका ही होना चाहिए और लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आईडी, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे ही और ईमेल आईडी पे ही आएंगे। एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए, स्कैंड फोटो लगेगी आपकी JPG फॉर्मेट में, स्कैंड सिग्नेचर लगेंगे, ठीक है, सही आपको फोटो सिग्नेचर मोबाइल नंबर डालना है, वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, कोई भी आईडी चलेगा आपका, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी। फिर फीस यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो 1,000 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये। फिर WS कैटेगरी वालों को सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे लिखा है कि आपको काउंसलिंग के दौरान अपना सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड रिजर्वेशन याद दिया है, OBC का जो सर्टिफिकेट है विदिन 3 ईयर्स का हो, यानी कि 1 जुलाई 2021 के बाद इशू हुआ, 2021 से पहले का होगा, पुराना होगा तो वो नहीं चलेगा, क्लियर है, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर सबके लिए। इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो आपका 1 जनवरी 2024 यानी इसी साल का चाहिए, पिछले साल का भी नहीं तो नया बनवा लो, इसी साल का इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इज दैट क्लियर, तो आप फॉर्म फिलिंग अपनी कर देना, यहाँ पे से लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन पोर्टल पे जाके यहाँ लॉग इन पे क्लिक करना और एक एक जो जो स्टेप आपसे मांगे जाएं यहाँ से डालते जाना, फॉर्म फिल करते जाना, कोई बहुत बड़ी भारी प्रोसेस नहीं है, आप खुद से फॉर्म भर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन,
ठीक है, अगर ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम फॉर्म फिल करके बता दो तो फिर मैं आपको फॉर्म फिल करके बता दूंगी, पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तभी बताऊंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? और बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, आप गाइडेंस ले सकते हो। ओके देन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।